और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली जल बोर्ड के सर, आपका नाम क्या है? रणबीर सिंह दहिया जी। आप कहाँ से आए सर? जल बोर्ड से है, वैसे तो वो है हरियाणा से, लेकिन हम दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारी हैं और इस जो विरोधी प्रदर्शन में इसका सम्मिलित होने जा रहे हैं सभी हम जल बोर्ड के कर्मचारी हैं और अपनी यूनियन के साथ एटक, हमारी एटक से रजिस्ट्रेशन है जिसके हेड है हमारी अमरजीत बहन अमरजीत कौर, उसके नेतृत्व में हम किसान विरोधी आंदोलन में सम्मिलित है जल बोर्ड के कर्मचारी, क्योंकि यह सरकार ना तो किसानों की देसी है ना कर्मचारियों की देसी है और हम जब तक ये किसान यहाँ देते रहेंगे हम भी इनका साथ देते रहेंगे जल बोर्ड की ओर से। मतलब सर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे संगठन किसानों के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और तादाद यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो जैसे आज 45वां दिन है और किसान डटा हुआ है, ठंड है, आंधी तूफान बारिश सब है, लेकिन किसान फिर भी डटा हुआ है और तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है आगे की क्या होने वाला है सरकार की और किसानों की क्या तैयारी चल रही है? तो ऐसा लगता है जैसे दो बब्बर शेर आमने सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन अब क्या इसका निर्णय निकलने वाला है सर? ऐसा है जी, जो विरोधी है जो अपने को सब शेर मानते हैं लेकिन हम उसको शेर नहीं मानते, हम सभी मिलकर ना उसका विरोधी करते हैं, क्योंकि अगर एक बेटा मान ले लायक हो जाते उसकी भी बाप ने सुननी पड़ती है, अगर मान ले चलो किसानों की कमी भी है तो उसको यहाँ आकर निकलती माने कुछ भी करे जो इनको समझाए, लेकिन वो यहाँ आने के लायक ही नहीं है, इसलिए हम उसके विरोध करते हैं, क्योंकि सभी कर्मचारी और अधिकारी इस परेशान है। ये ऐसा नहीं है आज किसानों का कर रहे हैं फिर ये जवानों का भी करेंगे, सभी का यह प्राइवेट करने जा रहे हैं, हम इसे विरोध में हैं। सर अगली तैयारी क्या है आपकी? तैयारी जो नेता ऊपर बैठे हमारे जो कहेंगे आदेश करेंगे उनके साथ है। आपका? मैं सूर्यदीप उपाध्यक्ष दिल्ली राज्य कमेटी हाईटेक और महासचिव दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी यूनियन। तो मैं दोस्त सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा का अपना हमारी तुलना गलत आदमियों से करते, शेर तो यहाँ डटे हुए हैं और गिद्दड़ जो है वे लुटते घूम रहे हैं, वे हमारा सामना नहीं कर रहे, ठीक है? तो वे तो गद्दड़ है, वे तो बैठे हैं कहीं, शेर तो आपके सामने है, हम ओरछे पर डटे हुए हैं और जब तक अपनी मांग नहीं मनवा लेंगे, आगे की रणनीति भी यही है, यहाँ से जब वापिस जाएंगे जब सरकार हमारी मांग मान लेगी, मजदूरों की मांग मान लेगी, किसानों की बात मान लेगी, ये जो इस टाइम जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, दो परिवार की गुलाम सरकार है, ना इनको मजदूरों से कुछ लेना देना है, ना इनको जो पूरे विश्व के पेट भरने वाले हैं आज उन किसानों को इन्होंने वो एक किस्म से यहाँ पर शरणार्थी दरकिनार कर रखा है, यहाँ पर आके पड़े हैं जिन्होंने विश्व का जिसने सबका भरण पालन करना है, आज वो आप ये देखो कितनी तादाद में पंजाब से हरियाणा से यूपी से उत्तराखंड से सभी यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, जैसे सरकार बोल रही थी कि यहाँ पर तो केवल सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही किसान है, पूरे देश का किसान नहीं है और ये भी भड़काए हुए हैं इस पे आप भाई जी, सरकार का तो आज ऐसा काम हो रहा है अपने आप पर कुछ बात कर रहा है, अपने आप पर अपनी फीट थपथपा ली है, ये 10 दिन पहले इस दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वो खाट पंचायत करते अंडे थी खाट पंचायत, अरे किसान हमारे समर्थन में है, अरे किसान थारे समर्थन में है तो ये कौन है? किसान तो यहाँ बैठे हैं भाई, वो थारे समर्थन में जो है वे किसान नहीं है, वे तो तुम्हारे जो पीछे जय बोलने वाले हैं, जो तुम्हारी जय बोलने वाले हैं, जो तुमसे टिकट चाहते हैं वो तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, किसान तो इस ठंड में यहाँ बैठा है, ये इतने देखो छोटे छोटे बच्चे थे कहाँ से आए हैं, तो ये यहाँ पे कोई मतलब वो कहते हैं ना ये तो चला रखा है कि तो पिज्जा खाने आ रहे हैं, ये तो मसाज कराने आ रहे हैं, भैया कराने के लिए हमारे घर बहुत सर, यहाँ पे हम आए हैं अपने आंदोलन के लिए आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं, और जब तक वो हक हमें नहीं मिल जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक किसान यहाँ पर डटा है, दिल्ली का हर एक मजदूर एटक की जितनी भी हमारी संस्थाएं जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई हैं हम सब किसानों के साथ हैं, मरते दम तक साथ हैं, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, हम यहाँ से वापस हटने वाले नहीं हैं।